सो हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग और कैसे चल रही है आप लोगों की रैंक पुशिंग? कमेंट करके ज़रूर बता देना, और कितने रैंक वगैरह में हो ना वो भी कमेंट करना। और मैं तो 100 टॉप 100 करने के लिए ट्राई कर रहा हूँ। मेरा जो रैंक है ना अभी 140 से 45 के आसपास चल रहा है, क्योंकि मैंने कल जो मैच खेला था ना, मतलब बोला था मैं दो मैच रात को खेला था, जो दो मैच बहुत ज़्यादा तगड़ा गया था, लॉबी वगैरह भी ठीक ठाक आया था। तो उस दोनों में मैच से ही एक मैच यहाँ पे आप लोगों के लिए दिखा रहा हूँ, क्योंकि मैंने उस वीडियो में बताया था कि रात 12 बजे के बाद खेलोगे ना तो बहुत अच्छा खासा लॉबी आ रहा है, और ऊपर से हैकर भी नहीं आ रहा है। तो उसके लिए मैंने आप लोगों को प्रूफ के तौर पे वीडियो लेके आया हूँ। इसमें मैं बहुत अच्छा खासा सर्वाइव निकाला था, और ऐसा नहीं कि हैकर नहीं आया था इसमें, पर मेरे को एक बंदे पे डाउट था जो आपको एंड में पता चलेगा। तो आप लोग कमेंट करना वो बंदा सच में कुछ गड़बड़ था या नहीं था, तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हो। तो सबसे पहले देखो, यहाँ पे मैं लूट करने के लिए छोटे छोटे कंपाउंड में जा रहा हूँ, और ऐसा भी नहीं है छोटे कंपाउंड में जब भी जा रहा हूँ ना तभी, ऐसा नहीं कि भाई तुरंत घुसे जा रहा हूँ। देख रहे हो मैं पूरा चक्कर लगा रहा हूँ गेम, मतलब जो भी कंपाउंड वगैरह है ना, आप लोग भी ऐसे ही सर्वाइव करो। देखो कहीं कंपाउंड में लूट वगैरह करने जा रहे हो ना तो तुरंत उसमें एक दो चक्कर लगा लो। देखो आसपास बंदा होगा ना तो कम से कम गाड़ी होगा तो गाड़ी स्पॉट हो जाएगा, या गाड़ी भी नहीं होगा ना तो बंदा होगा तो जरूर आपको फुटप्रिंट वगैरह देगा। और यहाँ पे मैं आके थोड़ा सा होल्ड करता हूँ, क्योंकि मुझे को लगता है, मतलब लग जाता है कि यहाँ पे बंदा नहीं है, और तभी देखो क्या सीन होता है। यहाँ पे एक बंदा आता है, क्योंकि मैं अभी बोल रहा था आप लोगों को कि देखो कहीं कंपाउंड में जा रहे हो ना भाई थोड़ा सा देख लो बंदा है कि नहीं, गाड़ी है कि नहीं, तो अंधाधुन घुसे मत जाना। देखो ऐसा ही होता है, देखो अंधाधुन जब घुसोगे ना तो गाड़ी कहीं ना कहीं मतलब अटक जाएगा और आपको मतलब ईजी किल कर देगा, समझ रहे हो ना, इतना ज़्यादा दिक्कत होता है। तो इसलिए थोड़ा सा ध्यान से, थोड़ा सा दिमाग से खेलोगे ना तो बहुत अच्छा खासा प्लस निकाल सकते हो। और यहाँ पर मैं पूरा एंड तक होल्ड करने वाला हूँ, क्योंकि यहाँ पे बैक टू बैक जोन बनेगा, और मतलब जोन बैक टू बैक नहीं बनता, पर जो भी जोन बनता ना मेरे को जोन के अंदर मतलब जाना नहीं है अभी तक, मतलब जितना हो सके ना उतना जोन के बाहर सर्वाइव करो। जब डेड जोन स्टार्ट होने वाला है ना उससे पहले वाले जोन के अंदर, अब मतलब जो फोर्थ जोन बनता है ना उसमें आप जोन के अंदर जाओ तो ही आपको प्लस मिलेगा। क्योंकि देखो अभी के टाइम पे कौन बंदा कैसा है ना भाई कुछ भी पता नहीं चलता, डेड डेड केडी वाला बंदा भी भाई ESP या एमबॉट लगा के घूम रहे हैं, मतलब समझ रहे हो ना। तो यहाँ पे मैं गेम प्ले तो समझा दूंगा, पर यहाँ पे थोड़ा सा आप लोगों का कमेंट वगैरह आ रहा था कि मेरे को आपका सेंसिविटी वगैरह चाहिए, और आप कैसे वीडियो एडिट करते हो, थंबनेल कैसे बनाते हो, इतना बहुत सारा कमेंट आ रहा है। देखो इस चैनल पे मैं नहीं अपलोड कर सकता, क्योंकि ये प्रॉपर गेम प्ले चैनल है। मेरा दूसरा चैनल है उसमें मैंने इस टॉपिक पर जो मेरा थंबनेल कैसे बनाता हूँ, या जो मेरा जो रिकॉर्डिंग ये ऐप वगैरह होता है ना वो कैसे मैं यूज़ करता हूँ, कौन सा ऐप है, और ऊपर से जो भी मतलब जितना भी डाउट है कैसे मैं वीडियो एडिट करता हूँ और जितना भी डाउट वगैरह है ना, सब कुछ मैं उस चैनल पे अपलोड करके रखा हूँ पहले से। सेंसिटिविटी भी बहुत अच्छा खासा मैंने जरा मेरा जो सेंसिटिविटी है ना वो बहुत अच्छा खासा समझा के वीडियो बना के रखा हूँ। सारे वीडियो का जो लिंक है ना मैं डिस्क्रिप्शन में बॉक्स में दे दूंगा, तो एक बार जरूर चेकआउट कर सकते हो। जो भी मेरे को मतलब जो भी बंदा मेरा सेंसिटिविटी लेना चाहते हो, या मैं कैसे थंबनेल वगैरह एडिट करता हूँ सब कुछ जानना चाहते हो ना, तो वीडियो जरूर डिस्क्रिप्शन पे है, एक बार जरूर चेकआउट करना, उससे आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। तो क्योंकि इस चैनल पर मैं दोबारा अपलोड नहीं करना चाहता हूँ इसलिए मैं लिंक दे रहा हूँ, लिंक से जाकर देख सकते हो। और अब देखो गेम प्ले का सीन था, देखो यहाँ पे मैं बैक टू बैक जोन में ही सर्वाइव किया जा रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास बहुत अच्छा खासा बैंडेज था। अब भी बिल्कुल ऐसे ही सर्वाइव करो, देखो जोन के अंदर बहुत जल्दी जाने की कोई ज़रूरत नहीं, आराम से अब बैंडेज लगाते रहो। 30 से 40 बैंडेज ले लो, मैं जितना लेता उतना ही बोल रहा हूँ, कम से कम 33-35 इतना बैंडेज मेरे पास रहता है। तो यहाँ पे जोन भी देख सकते हो, जो जोन बना ना इस जोन में मेरे को निकलना है जोन के अंदर, क्योंकि जोन थोड़ा सा पास था, जोन थोड़ा सा दूर है ना, तो इससे पहले वाला जोन के अंदर भी आप जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मैं इस जोन में जाता हूँ क्योंकि इस जोन में बहुत अच्छा सब बंदे अलाइव थे, क्योंकि 33 बंदे इतना मतलब खतरनाक लॉबी था भाई, क्या ही बोलूँ। तो मैं यहाँ पे बग्गी लेके सीधा निकल जाता हूँ, और जोन जाने के टाइम ना ये याद रखना कहीं कंपाउंड्स के पास से मत जाना, क्योंकि उसमें आसपास आपको गाड़ी वगैरह दिख रहा है ना तो उधर कंपाउंड से मत जाना। यहाँ पे देख सकते हो मैं यहाँ पे आके रुक गया था, पर यहाँ पे मेरे को कोई भी गाड़ी वगैरह नहीं दिखा, और थोड़ा सा होल्ड करके देख रहा था कि बंदा है कि नहीं, पर मेरे को कोई साउंड वगैरह नहीं आया बंदे का। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा होल्ड करता हूँ, क्योंकि जब तक जोन बनता है तो उधर से जोन शिफ्ट हो जाता है, तो सीधा चलते हैं जोन के अंदर। और यहाँ पे देखो पोजीशन पूरा ओपन जोन था, एक दो कंपाउंड था जिधर बंदा डेफिनेटली है मेरे को पता है, इसलिए मैं कंपाउंड में नहीं जाता। इधर शैक पे भी बंदा था, सामने कंपाउंड में भी बंदा था, तो मैं कैसे यहाँ पे सर्वाइव निकालता हूँ देखो।
उधर से निकल के मतलब इधर आ जाता हूँ, क्योंकि आसपास मेरे को कोई भी ऐसा जगह नहीं मिला जहाँ पे मैं होल्ड कर सकता हूँ। तो यहाँ पे एक पत्थर था और मेरे के मैं जो मेरा बग्घी था ना वो लगा के होल्ड करता हूँ, क्योंकि जब जोन है ना स्टार्ट होगा तभी मैं जोन के अंदर जाऊँगा, यही मैं सोच के मतलब यहाँ पे होल्ड कर रहा था। पर सामने से मेरे को एक बंदे का साउंड आता है, और जो बंदा मेरे पे शायद नेट वगैरह ट्राई कर रहा था, तो मैं बंदे को स्पॉट करने के लिए कोशिश करता हूँ तो बंदा स्पॉट नहीं होता। फिर मैं मेरा जो बग्घी है ना उसमें भी स्मोक करके बग्घी में बैठ के देखने की कोशिश करता हूँ कि बंदा थोड़ा सा दिख जाए, पर बंदा इतना ज़्यादा मतलब कवर में था ना बंदा दिखता ही नहीं है। तो मैं सोचता हूँ थोड़ा सा यहाँ पे होल्ड करते, और तभी देखो मैं जब स्मोक करता हूँ ना बग्घी पे और उस बंदे को देखने की कोशिश करता हूँ, और तभी देखो एक मतलब बाइक वाला बंदा आएगा। जो बाइक वाला बंदा था ना उसके साथ यहाँ पे जो बंदा ऑलरेडी होल्ड कर रहा था उसके साथ फाइट हो जाता है, और मैं पीछे से थर्ड पार्टी करके एक बंदा को किल कर देता हूँ। पर जो बंदा पहले से था ना वो बंदा बग्गी लेके भाग जाता है, और मेरे को भी निकलना था जोन के अंदर, क्योंकि जोन कुछ ही सेकंड में स्टार्ट होता है। और जोन जब ये स्टार्ट होता ना मैं पूरा रेडी था जोन में जाने के लिए, और जोन में कैसे यहाँ पे पोजीशन निकलता हूँ, ये जो जोन है भाई बहुत ज़्यादा खतरनाक जोन रहता है, और यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा बंदा अलाइव रहता है। इस जोन अब सर्वाइव कर लेते हो तो टॉप 10 ईजी हो जाता है, समझ रहे हो ना। तो इस जोन में भी सर्वाइव करना है, फाइट नहीं करना है, याद रखना। कोई कंपाउंड मिल जाए तो बहुत बड़ी बात है, कंपाउंड ना मिले ना भाई अब थोड़ा सा होल्ड करो। यहाँ पे देखो मैं पेड़ के कवर में आ जाता हूँ, तभी इधर से एक बग्गी क्रॉस होता है जिसमें थोड़ा सा फायर लेता हूँ। बंदा रुकता नहीं है कि देखो आसपास कहीं से गाड़ी वगैरह जा रहा है ना, थोड़ा सा स्प्रे ले लो तो बंदा आपके पास नहीं आएगा। और यहाँ पे मैं जब होल्ड कर रहा था ना मेरे को लग रहा था कि ये जगह बिल्कुल सेफ नहीं है, क्योंकि ओपन एरिया था और हर तरफ से पूरा ओपन था, कहीं ना कहीं से फायर आ सकता है। तो मैं सीधा बग्गी में बैठता हूँ और थोड़ा सा आगे चलने की कोशिश करते, और वहाँ पर जाके क्या सीन होता है देखो। मैं यहाँ पे पूरा जोन के एज में आ चुका था, और यहाँ पे मतलब अच्छा खासा कवर भी था और जोन भी बहुत ज़्यादा क्लोज था। तो मैं सोचता हूँ इधर थोड़ा सा होल्ड करते, तभी यहाँ पे एक बग्गे वाला बंदा आता है जिसको मैं भर देता हूँ। देखो हमेशा कोशिश करो भाई एक थोड़ा सा मतलब डिस्टेंस बजाय रखो, मतलब समझ रहे हो ना, बंदे से थोड़ा सा डिस्टेंस में खेलो। और आप होल्ड कर रहे हो ना तो आसपास बंदा जा रहा है तो फायर देने की कोशिश करो, मैं हमेशा बोलता हूँ। थोड़ा बंदे से दूर रहोगे तो ही आपको प्लस मिलेगा, क्योंकि आपको सर्वाइव करना है, टॉप 10 निकालना है, और इस जोन में सर्वाइव कर लिया ना टॉप 10 ईजी हो जाता है। जो मैंने बोला था यहाँ पे देख सकते हो टॉप 8 में आ गया था, और सामने मेरे को एक बंदा स्पॉट होता है। जिसमें मैं स्प्रे लेता हूँ जिस बंदे पे, पर थोड़ा सा मतलब डाउन भी किया था, मतलब जो है ना उसका हेल्थ वगैरह डाउन किया था, पर बंदा थोड़ा सा उधर से कवर में घुस जाता है। और देखो यहाँ पे जोन भी स्टार्ट होने वाला था, अब मेरे को जाना था जोन के अंदर, और मेरे को आसपास बहुत सारा बंदा दिख रहा था। तभी लेफ्ट साइड से ना एक बंदा फायर करता है, और जहाँ पे मैं इसको भी इन करके देखता हूँ तो एक बंदा मेरे को स्पॉट हो जाता है जिसको मैं इजी किल कर देता हूँ। और यहाँ पे ऑलरेडी मेरा 4 किल हो चुका था, और सामने वाले कंपाउंड में ना एक बंदा था जिसको मैं नेट वगैरह खोलने की कोशिश कर रहा था। और यहाँ पे देखो एक बंदा मेरे पे मतलब स्प्रे लेता जिसको मैं थोड़ा सा स्पॉट करता, तो बंदा जिस टाइप से स्प्रे लिया ना मेरे को डाउट हो गया था, और ये डाउट कैसे होगा देखो मैं भी होल्ड करूँगा और बंदा मेरे पे स्प्रे लेगा, उसके हिसाब से मतलब जिस टाइप से स्प्रे वगैरह ले रहा था ना मेरे को लग रहा था बंदा थोड़ा सा गड़बड़ है। आप लोग कॉमेंट करना ये स्प्रे सही था या गलत था, मेरे को थोड़ा सा गड़बड़ लगा था, वो पता नहीं क्या सीन था। फिर मैं ज़्यादा मतलब पिक पाक नहीं करता हूँ, मतलब समझ रहे हो ना, बंदा थोड़ा सा गड़बड़ होगा तो इजी किल कर देगा। तो यहाँ पे मेरे को जाना था जोन के अंदर, पर बंदा सिर्फ 2 ही बचा था, और घर वाले पे मतलब जो घर वाला बंदा था ना वही था। मैं यहीं पे चढ़ जाता हूँ क्योंकि मेरे को पता था सामने वाला शायद गड़बड़ है, और इस पर फाइट वगैरह लूँगा तो अच्छा होगा। पर यहाँ पे जो सीन हो गया ना भाई क्या ही बताओ, क्योंकि मेरे को एक्सपेक्टेड यही था कि मैं शॉटगन से किल कर दूंगा, पर शॉटगन भाई मेरे साथ मतलब हमेशा मेरे साथ नहीं देता, मतलब कभी कनेक्ट होता है तो ज़्यादा टाइम कनेक्ट होता ही नहीं है। तो यहाँ पे जाया हुआ था मतलब जो होना था वो हो गया, मतलब कनेक्ट नहीं हुआ, और बंदा ईजी फेल दिया मेरे को। बहुत ज़्यादा सिंपल बंदा था, इसको मैं मार सकता था M4 वगैरह से, पर मैं यहाँ पे मतलब शॉटगन का भरोसा बैठा था, पर हुआ नहीं है। और बंदा इतना ज़्यादा नूप था भाई क्या है, मतलब बग्गी मतलब फूट गया था, उसको लेके जोन में जा रहा था। कोई नहीं, फिर भी यहाँ पे मैं 15 का प्लस निकाला हूँ कॉन्करर लॉबी में।
गेम प्ले अच्छा लगे ना तो ज़रूर एक लाइक करना, और कुछ भी डाउट वगैरह है ना रैंक पुश से रिलेटेड और कुछ भी रिलेटेड डाउट है ना कमेंट कर सकते हो। और एक चीज़ देखो, अभी जो पॉइंट चल रहा है ना कॉन्करर का पॉइंट, वो 5150 के आसपास चल रहा है, 50 या 55 के आसपास चल रहा है। तो इतना पॉइंट कर लोगे तो ईजी कॉन्करर लग जाएगा, और अभी भी ठीक ठाक प्लस मिल रहा है। थोड़ा सा किल करके आप खेलोगे ना तो आराम से प्लस निकाल सकते हो, 4-5 किल रहेगा या चिकन डिनर ले लेते हो ना तो 23-24 का 25 का भी प्लस मिल रहा है अभी के टाइम पे। तो ऐसे ही आप खेल सकते हो। तो बस यही था आज के वीडियो में, वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर एक लाइक कर देना और चैनल पर नया आया ना तो सब्सक्राइब करना। तो चलो फिर से मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।